मैं हूँ मेघा, आप देख रहे हैं मेघा टिप्स एंड न्यूज। आज का वीकेंड का वार हुआ, वीकेंड के वार के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि आज मेघा और जसलीन का इविक्शन होने वाला है और इविक्शन हो चुका है। और कल का भी मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था कि वीडियो करूं और आज का भी ऐसे ही मेघा का इविक्शन होने बाद ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ वीडियो में बोले, क्योंकि हमें पता है कि इविक्शन किस तरीके से हुआ है, कितने सारे अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट वहां पे है। ऐसा नहीं है कि मेघा विनर बनने वाली थी, लेकिन रोहित से ज्यादा, कहीं ना कहीं सुरभि से ज्यादा, सोमी से ज्यादा और दीपक से भी ज्यादा मेघा डिजर्विंग थी। जिस तरह का दीपक गेम खेल रहा है, प्रोवोकिंग गेम, जिस तरह से कल सलमान ने रोहित को डांटा है, क्या आपकी इमेज क्या है, आप क्या करते हो निगेटिव दिखने के अलावा, तो दीपक क्या करता है? उन्होंने खाली रोहित को क्यों बोला ये सब? क्योंकि उस एक पर्टिकुलर एपिसोड में खाली रोहित ने बोला था, इसलिए बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे गए हैं कि बहुत बार शीशांत को दीपक ने प्रोक किया है, बहुत बार सामने जाके उसको उकसाया है, तब रोमिल भी उसे साथ देता था, तब तो सलमान ने कभी आवाज नहीं उठाई। और जिसकी वजह से मेघा को नॉमिनेशन में डाला गया है, वो भी तो दीपक का ही प्रोवोकेशन था, और नॉमिनेशन भी किए थे बिग बॉस ने, सही है। इस बार पहले भी हम देख चुके हैं कि बिग बॉस कैसे एविक्शन जो भी उनको करना है वो करवा के ही रहते हैं। नेहा के टाइम पे हमने देखा है, बहुत ही अनफेयर हुआ था, खाली तीन लोगों को फोर्थ या फिफ्थ वीक में तीन लोगों को नॉमिनेट किया था, इतने सारे लोग छोड़ के, और उनमें से श्री को भेज दिया सीक्रेट रूम में और दो लोगों को नॉमिनेट रखा एक दिन के लिए, ओनली वन एंड हाफ डे के लिए, और नेहा को इविक्ट कर दिया। चलो ये बात हो गई नेहा के इविक्शन की। सेकेंड टाइम शिवाशीष जेल नहीं जा रहे थे। बहुत बार हमने देखा है कुछ कुछ सजा दी है, सृष्टि को दी थी कैप्टनसी की, सभा को दी थी कैप्टनसी के बारे में, मेघा को नॉमिनेशन की दी बाद में, तो शिवाशीष को क्यों डायरेक्टली निष्कासित कर दिया गया? इतनी बड़ी बदतमीजी तो शिवाशीष ने बिल्कुल नहीं की थी, किसी को मारा नहीं था, बिग बॉस की प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी थी, किसी को हर्ट नहीं किया था, जेल जाने के लिए मना किया था, ये इतना बड़ा तो गुनाह था नहीं, लेकिन बिग बॉस को शिवाशीष को हटवाना ही था। सृष्टि की बात हम समझ सकते हैं, सृष्टि के और जसलीन के टाइम पे सब श्री फैंस ने जसलीन को वोट किए थे, इसलिए सृष्टि आउट हो गई, यह हम बात समझ सकते हैं। लेकिन आज सेम ऐसी ही बात हुई थी कि मेघा के भले, मेघा महाराष्ट्र की विनर रह चुकी है, मेघा के फैंस नहीं होंगे ऐसे आपको लगता होगा, या फिर मेघा पहले से गेम नहीं खेल रही थी, लेकिन बहुत सारे श्री फैंस ने भी मेघा को वोट किए थे और जसलीन को ही वोट किए थे। जसलीन जाने वाली थी, हमने बहुत सारे पोल्स में देखा था कि जसलीन नीचे थी, लेकिन लास्ट में मेघा टॉप कर रही थी दीपक से ज्यादा, दीपक बॉटम टू में था, लेकिन दीपक को तो निकाला नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं डाउट था ही सबको, और वैसा ही हुआ क्योंकि दीपक पहले से है। ऐसा क्या किया है दीपक ने वहां पे? सोमी का लव एंगल जो कोई भी देखना नहीं चाहता, अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो 100 में से 5 लोगों को सोमी का लव एंगल ठीक है, सोमी अच्छी लग रही है, दीपक का एंगल अच्छा लग रहा है, दीपक का गरीबी कार्ड अच्छा लग रहा है, ऐसे 5 लोग होंगे। बहुत सारे लोग हैं कि जो पसंद नहीं करते वो घिसी पिटी हरकतें देखना या वो प्रोवोकेशन देखना, तो फिर भी बिग बॉस ने मेघा को निकाला है। मेघा बहुत ही डिजर्विंग थी, फिर भी निकाला है, हमें कहीं ना कहीं पता है, और ये है बीबी की असली वजह कि बीबी रखना चाहते थे उन कंटेस्टेंट को जो पहले से है। अगर यहाँ पे मेघा के सामने रोहित होता तो रोहित को वो निकाल ही देते, क्योंकि निकालना ही पड़ता, रोहित तो डिजर्विंग है ही नहीं। लेकिन मेघा के सामने थे दीपक और रोमिल तो है ही टॉप में, हमें पता ही था, लेकिन दीपक को रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि जहां पे रोहित कम पड़ता है वहां पे दीपक प्रोक करे, क्योंकि दीपक को ये अभी तक बोला नहीं गया है क्या प्रोक मत करो, अब रोहित कम हो जाएगा दीपक शुरू कर देगा। 3 हफ्ते तो बचे हैं, 3 हफ्ते में तो प्रोवोकेशन गेम चलती रहनी चाहिए। बिग बॉस को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि खुद का टीआरपी टॉप 20 से बाहर हुआ है, फिर भी ये गेम शुरू ही है उनका। और कल जो वीकेंड का वार हुआ उसमें करेक्ट से सलमान ने सबको अच्छे से बोला है, सुरभि को जो बोलना चाहिए था वो बोला है, वो बहुत पहले कर देना चाहिए था, रोहित को जो बोलना चाहिए था वो बोला है। लेकिन ये भी सच है, ऐसा नहीं है कि मुझे श्रीशांत पसंद नहीं है, लेकिन श्रीशांत की तरफ बहुत ही बायस्ड है बिग बॉस, ये हमने पहले भी देखा है। मेघा को जिस तरह से सलमान ने बोला था कि आप ऐसा करते हो, आप इस तरह से गालियां देते हो, हम एयर नहीं कर पाते, एक कल श्रीशांत को बोला है सलमान ने, इसके पहले क्यों नहीं बोला?
खाली बोल देते कि आप अपने हद पार कर देते हो, बोला जो बोलना नहीं चाहिए वो बोल देते हो, लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने सुरभि और रोहित को बैश किया है, उस तरह से पहले पहले ही जब पहली बार सुशांत ने अब्यूज किया, पहली बार उसने नौकर कहा दीपक को, पहली बार मिडल फिंगर दिखाया, जब वर्कर्स को गालियां दी, तब क्यों नहीं सुशांत को ये सब चीजें बोली गई है, क्यों नहीं बोला गया? आज केवी का जो ऊंट का मुद्दा निकाला गया था गलत है करके, तो ऊंट पर जो श्री की गालियां देने वाली, जो श्री की बदतमीजी वाली चीजें है, वो क्यों नहीं सम्मान उठाते? इसका मतलब ये है कि जो आप पहले से आपने बड़ा नाम किया है, तो बिग बॉस हाउस में जाके आप कुछ भी कर सकते हो, और इसी वजह से मेघा को निकाला गया है। ये सीधा सीधा है, क्योंकि जब हैप्पी क्लब नॉमिनेट था तब हमने देखा है कि ये चार लोग नॉमिनेट थे तो नॉमिनेशन कैंसिल करवा दी वोटिंग करवा के, हम सब ने वोट्स किए थे फिर भी वोटिंग कैंसिल करवा दिया और नॉमिनेशंस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किए, क्योंकि ये चार लोग बिग बॉस चाहते थे। सोमी तो जाने ही वाली थी, तभी हम जाने वाली थी सोमी, लेकिन सोमी का वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया, सॉरी वो नॉमिनेशन रद्द करवा दी, और मेघा का नॉमिनेशन कैरी फॉरवर्ड कर दिया। क्यों ऐसे किया? क्योंकि लास्ट टाइम जब जसलीन जाती तो नए नॉमिनेशन में मेघा आती भी या नहीं पता नहीं, और आती तो सामने सुरभि दीपक सॉरी सुरभि रोहित और सोमी में से कोई आ जाता, तो उनमें से कोई चला जाता, लेकिन बिग बॉस ही नहीं चाहते थे। बिग बॉस ही चाहते हैं कि हमारा खुद का टीआरपी कम रहे। कल जो बैशिंग हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ, पहले होना चाहिए था। और आज के एपिसोड में जो हुआ उसमें भुवनेश्वरी जी आई थी, टीजे आए थे, और सुरभि का जो भाई आया था, सुरभि के भाई ने बहुत चीजें कही कि मैं मेरा भी सपोर्ट है सुरभि बनाया हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सलमान भी उनको डिसरिस्पेक्ट से बोल रहे थे, आप गेस्ट को बुला के ऐसे के? तो हाँ, तो ये मतलब है आपका घर पे सारे ऐसे ही है आपके, और एक भाई है आपका, ये क्या मतलब है फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसे बात करने का? फैमिली मेंबर को आप स्टेज पे बुला के, मुझे सुरभि पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आप श्री के घर वालों को इतना बड़ा बना रहे हो, उसने इतना अब्यूज करके भी, क्योंकि वो क्रिकेटर है और सुरभि ने अब्यूज किया है, लेकिन उसके भाई ने तो नहीं किया है ना, क्या जरूरत थी ऐसे करने की? वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कोई किसी का भी भाई हो, वो भाई है, फैमिली मेंबर है, वो आपने उनको बुलाया है अपने खुद के फैमिली मेंबर को डिफेंड करने के लिए, उसको खुद को बुलाया है सुरभि को डिफेंड करने के लिए, और उसको आप गलत साबित कर रहे हो। हाँ, तो कितने भरे पड़े हैं घर में ऐसे, ओ तो क्या सुरभि को पुरस्कार दे दे, आप क्या चाहते हैं? ऐसा ऐसे तो बोलने की जरूरत नहीं थी। आप सुन सकते हो, भुवनेश्वरी का तो आपने अच्छे से सुना था, क्योंकि भुवनेश्वरी बहुत गलत गलत चीजें भी बोल देती है। आज जो घर में जाके उन्होंने कल दिखाया है सुरभि को, बहुत उन्होंने गलत तरीके से बोला है सुरभि, मैं आपको कभी फर्गीव नहीं करूंगी, आप ऐसे हो आप वैसे हो, वही सेम चीजें फर्गीव करने वाली जो चीजें है वो सुरभि के घर वाले आके सुशांत को भी बोल सकते हैं। जो रेलवे स्टेशन वाली बात कही है वो कितनी गंदी तरीके से बोली है, आप क्रिकेटर हो आप कैसे आपा खो सकते हो, सुरभि ने आपा खोया तो आपको भी खोना चाहिए था क्या? आप कैसे आइडियल हो और कैसे आइडल बनने वाले हो, आगे भी आप जो इच्छा रखते हो कैसे पूरी होने वाली? भुवनेश्वरी को ये कभी पसंद नहीं आता। सलमान ने पहले भी कहा है उतना ही दो जो आप ले सकते हो, अगर भुवनेश्वरी जी ने उनकी जगह पे वो सही है, लेकिन जरूरत नहीं है वो बोलने की, क्योंकि वो गेम शो में हुआ है और आप फैमिली मेंबर बन के गए हो तो फैमिली मेंबर जैसा ही बिहेव करो, कंटेस्टेंट जैसे बिहेव करने की जरूरत नहीं थी। और श्री भी कहीं ना कहीं मुझे श्री वहां पे बहुत ही अच्छे लगे, प्लीज मत बोलो मत बोलो बोल रहे थे, क्योंकि उनको भी बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से वो इस हद तक लड़े, लेकिन आप इंटरफेयर मत करो बोल के भुवनेश्वरी बोल देती है, भुवनेश्वरी जी बोल देते, उनकी जगह पे सही थे, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में? और ये भी सही है, अगर आपके फैमिली मेंबर दूसरों को बोल रहे हैं तो दूसरों को भी आपके बोलेंगे तो आपका अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा, यही मेरा बोलने का पॉइंट है। और इसके बाद उनका टीजे को कोई बोलने ही नहीं दे रहा था, टीजे को ओपन लेटर के बारे में जो बोला सलमान ने, हमें तो पता चला ही है कि टीजे करणवीर और सलमान का फैमिली रिलेशन है ही, और उन्होंने वो सब स्पोर्टिंगली लिया है। और टीजे ने भी बोल दिया कि सुरभि बहुत सारी चीजें ऐसे बोल देती है, करेक्ट है, सुरभि बहुत सारी चीजें बोल देती है, भुवनेश्वरी जी की ये बात सही थी कि मुंह में हाथ डाल के वो चीजें बाहर निकलवाती है, क्या बोलना भी नहीं चाहोगे तो भी वो बुलवाती है। वही बात दीपक के टाइम पे भी हुई थी कि दीपक नहीं भी करना चाहे तो सामने वाले को वो चीज करने
पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि सुशांत क्रिकेटर है और मेघा हमारी मराठी बिग बॉस की रीजनल विनर है, तो रीजनल विनर के बारे में कोई इतना सोचेगा नहीं। क्यों सलमान उसकी साइड लेंगे? सुशांत के जैसे लेते हैं वैसे नहीं लेंगे, और ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आज कुछ इतना हुआ नहीं। रितेश आए हुए थे, रितेश ने माउली फिल्म का प्रमोशन किया जो मराठी मूवी है, और उन्होंने अंदर जाके चक्की पीसने की पनिशमेंट दे दी करणवीर को चाचीगिरी के बारे में। बाद में सुरभि और रोमिल को एक साथ बंधाया गया था, फिर भी रोमिल के ऊपर सुरभि बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। सुरभि बोल रही थी कि इनको, मुझे ऐसा लगता है इनके ये बहुत ही गंदे है, ऐसे है वैसे है, कुछ कुछ बोल देती है। और मेघा बोलती है कि उन्होंने बिग बॉस की प्रॉपर्टी कुछ तो खराब की है, लेकिन वो रितेश लेते ही नहीं FIR। सोमी भी बोल देती है कि मुझे ग्रुप से बाहर निकाला गया था, उसके लिए भी उनको पनिश किया जाता है, हर एक उसके लिए सुरभि को पनिश किया जाता है। इस तरह का आज का एपिसोड था। लेकिन आज का एपिसोड लास्ट में बहुत ही सैड था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मेघा इतनी जल्दी जाए। आगे हम देखेंगे कि टॉप 8 में जो रहे हैं उनमें से कौन नेक्स्ट वीक में चला जाएगा, या नेक्स्ट वीक में भी नॉमिनेशन रद्द करवा देंगे। 8 लोगों को लास्ट वीक तक रखेंगे बिग बॉस शायद, क्योंकि बिग बॉस को इतना प्यार है उन लोगों से, हैप्पी क्लब से और उन लोगों से, ऐसे ही रखिए और बिग बॉस का TRP टॉप 50 से भी बाहर आ जाए, मैं तो ऐसा बोलूंगी। क्योंकि ये शो ही मुझे देखने को भी मन नहीं करता है, इतना बायसनेस, इतनी पार्शियलिटी कैसे कर सकता है कोई। अगर शो को आप हर एक कंटेस्टेंट को एक जगह पे रखो, एक को बैश करना है, कल कहीं ना कहीं सुरभि को बहुत पहले बोलना चाहिए था, जो भी कर रही है वो गलत कर रही है, बहुत पहले बोल देना चाहिए था। अब इस स्टेज पे आके सुरभि को बोलोगे तो सुरभि बोलेगी ही, अब तक बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत ही पार्शियलिटी है, मुझे क्यों स्कोल्ड किया, वो उसकी जगह पे सही थी, पहले ही आपने नहीं बोला इसलिए वो बोलेगी ही। अब मेघा जाते समय बहुत ही इमोशनल हुई थी, उसको भी कहीं ना कहीं ये धक्का लगा ही था। रोमिल भी बहुत टेंस थे और सब लोग मस्का मार रहे थे आते समय, मेघा को पैर पकड़ रहे थे ऐसे वैसे। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है वो दीपक सोमी में से, और रोहित कब घर से बाहर होंगे ऐसे मुझे लग रहा है। वो तीनों भी फाइनल में जाना डिजर्व नहीं करते, कहीं ना कहीं दीपक को जबरदस्ती बिग बॉस रख देंगे, पता नहीं है ऐसे वैसे करके रख देंगे, क्योंकि उनको दिखाना है उनकी फैमिली, गरीबी कार्ड फैमिली का दिखाना है, गरीब है फैमिली, उसकी फैमिली गरीब है मानते हैं हम लोग, सबको पता है। लेकिन कल आके दीपक के पापा बोल देते हैं मैंने 1000 की जो चप्पल पहनी है पहली बार पहनी है। आप नेशनल टीवी पे हमेशा गरीबी है और श्रीमंती वाली चीजें बोले तो आप अच्छे नहीं लगोगे, जो है वो आपके पेशे से लगता है। आप देख सकते हो कि दीपक की फैमिली बहुत गरीबी से आई हुई है, उसके बहन का हमने वीडियो देखा है, उसकी फैमिली देखी है, उसे आप इमेजिन कर सकते हो वो गरीब है, तो हमेशा वो चीजें बोलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि पर्पजली आप बोल रहे हो ऐसा लगता है। और फाइनली जो टास्क दिया था लास्ट में, बॉटम 3 में कौन है देखो, ये बोला सलमान ने, और बॉटम 3 में आ गए रोमिल, मेघा एंड जसलीन। और सलमान ने बोल दिया कि इसमें से एक गलत है, और रोमिल गलत था, दीपक होना चाहिए था वहां पे, लेकिन सब लोग सोचेंगे अभी दीपिका, लेकिन दीपिका को तो कभी नहीं हो सकते बॉटम में। और मेघा ने भी आज उसे बोला कि तुम डिजर्व करती हो विन होना और तुम्हें जीतना ही है, और कहीं ना कहीं सही है, दीपिका ही थोड़ा टास्क कर सकती है और दीपिका ने थोड़ा एंटरटेनमेंट देना चाहिए सुशांत को छोड़ के, लेकिन वो देती नहीं है। और मेघा और जसलीन का जो पुतला है वो ब्लास्ट हो जाता है, दोनों इविक्ट हो जाती है। और आज का जो सुल्तानी अखाड़ा था उसमें भी आज इंटरेस्टिंग चीजें हुई, जसलीन और सोमी ने एक दूसरे के खिलाफ दोनों को बोलना था, और रोमिल थे जज, उन दोनों को जज करना था। रोमिल ने सोमी को 2 पॉइंट्स दिए, जसलीन को 1 पॉइंट, लेकिन फिजिकल टास्क में जसलीन विन हो जाती है। लेकिन फाइनली जसलीन चली जाती है, बहुत ही बैड लग रहा था आज। जसलीन भी और मेघा भी इविक्ट हो गई है, और मेघा के इंटरव्यूज आप देख सकते हो, मेघा ने बोला है कि जिसकी वजह से, जिसने मुझे ये करने पे मजबूर किया, जिसने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां दी, मुझे हमेशा नीचा दिखाया, जाओ किचन में काम करने से सिवा आप कुछ नहीं कर सकती, आप फुटेज खाने के सिवा कुछ नहीं कर सकती, आप विनर हो, उन लोगों को आप प्यार देते हो और मैंने रिएक्ट किया इसलिए मुझे नहीं देते, ये बात मुझे कहीं ना कहीं बहुत सही लगी। क्योंकि गलत था दीपक, जिस तरह से रोहित को कल बैश किया है उस तरह से दीपक को पहले ही करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं बायसनेस की हाइट है ये बिग बॉस,
वक्त वक्त पे चीजें क्यों नहीं बोलता। पहले हम मराठी बिग बॉस देखते समय सोचते थे कि मांजरेकर सर गलत है और सलमान बहुत सही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं लगता है कि मांजरेकर सर पॉइंट टू पॉइंट तो बोलते थे, बैश कम करते थे लेकिन करते तो थे। सलमान तो यहाँ मुद्दे भी उठाते नहीं है, चोरी वाला मुद्दा नहीं उठाया, सुशांत ने जो वर्कर्स को गालियां दी वो मुद्दे नहीं उठाए, दीपक हमेशा जो चीजें करता है, जो उसने बिग बॉस की प्रॉपर्टी खराब की, जो ड्रामा किया उसके बारे में कुछ चीजें नहीं उठाई, सोमी ने जसलीन को बोला था एक गया और दूसरा आया उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, दीपक ने बोला था कि जसलीन मर्द भी नहीं है और गर्ल भी मैन भी नहीं है और वुमन भी नहीं है उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। हमेशा श्री और सुरभि का कुछ तो टॉपिक निकालो, उसको उसमें सुरभि को गलत ठहराओ, सुशांत को दो तीन चीजें बोल दो, खत्म हो गया, उतना ही रहता है। क्या है ये बिग बॉस, टीआरपी तो गिरनी ही गिरनी है। लेकिन आगे के एपिसोड्स में मेघा को जरूर मिस करेंगे, टास्क के समय तो मेघा को जरूर मिस करेंगे, हर एक टास्क उसने बहुत शिद्दत से किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है, और जाते समय भी सलमान ने बिल्कुल भी मेघा को नहीं बोला कि आपने टास्क अच्छे किए हैं, थोड़ा सा एफर्ट भी सोमी ने डाले तो उसको बोला गया, दीपक ने कल थोड़े से एफर्ट डाले ग्रुप के साथ मिलके फिर भी बोला गया, लेकिन मेघा ने बहुत टास्क अकेली ने किए हैं लेकिन उसको कुछ भी सलमान ने भी नहीं बोला। ये कहीं ना कहीं मराठी ऑडियंस की डिसअपॉइंटमेंट थी, पता नहीं ऐसे क्यों किया है, पर्पजली किया है या पता नहीं क्या था, लेकिन मेघा हमारे लिए पहले भी विनर थी और अब भी विनर ही है, क्योंकि वो बिग बॉस मराठी विनर का टैग कोई भी नहीं छीन सकता है, जो दीपक के फैंस है वो तो कभी नहीं छीन सकते। दीपक ने जो बोला है उसको आंसर किया है, मेघा ने औकात वर्ड बोला, 2% का बोला, क्या क्या बोला है, मेघा ने वहां भी वो चीजें बोली थी कि दीपक मैं पहले से स्टार्ट नहीं करती झगड़ा, अगर आप मुझे प्रोक करोगे, आप मुझे गंदी गंदी चीजें बोलोगे तो आप लेना भी सीखो, ये मेघा ने पहले भी बोला था, और आप वो एपिसोड्स पहले भी जाके देख सकते हो, पहले वाले एपिसोड्स जो बैकफायर मेघा पे हुआ है, ओनली मेघा ने जो बैक देने की कोशिश की है दीपक को, बैकफायर मेघा पे किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसकी जगह पे सही थी और सही ही रहेगी। आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए। टेक केयर, बाय।